ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि कुंवारी बेटियां घर से निकलने से पहले पांच देवियों का नाम ले लें तो उनके ऊपर कोई भी खतरा, या फिर यूं कहें कि किसी भी प्रकार का खतरा नहीं मारा सकता। वो सुरक्षित रहेंगी, और वो ऐसे सुरक्षित रहेंगी जैसे कि वो अपने भाई और पिता के साथ सुरक्षित रहती हैं। शास्त्र अनुसार अविवाहित कन्याओं को रोजाना इन पाँच देवियों का नाम लेने से कुछ ऐसी भी बीमारी हैं जो इन नामों को लेने से समाप्त हो जाती हैं। तो वो पाँच कन्याएँ हैं अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। माता अहिल्या जो किसी नारी से नहीं बल्कि वो समुद्र से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम लेने से कन्याएं यानी बेटियां सुरक्षित रहती हैं। दूसरी माता है द्रौपदी जो यज्ञ से उत्पन्न हुई हैं। ये भी किसी स्त्री के उदर से जन्म नहीं ली हैं। इनका नाम जो भी अविवाहित बेटियां लेती हैं उनका कन्याधर्म सुरक्षित रहता है, इसलिए हर बेटियों को इनका नाम लेकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। तीसरी माता है तारा जो सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी और ये बृहस्पति की पत्नी थी। इनका नाम लेने से बेटियां सुरक्षित रहती हैं। चौथा नाम है नागकन्या यानी माता कुंती। बेटियों के लिए माता कुंती का नाम वरदान है। माता कुंती का नाम लेने से बेटियां बहुत बड़ी सुरक्षा कवच में रहती हैं। और एक नाम है मंदोदरी जिनका नाम लेने से कन्या धर्म सुरक्षित रहता है। तो हर अविवाहित बेटियों को इन पंच कन्याओं का नाम घर से निकलने से पहले अवश्य लेना चाहिए ताकि वो घर के बाहर भी वैसे सुरक्षित रहें जैसे वो अपने पिता और भाई के साथ रहती हैं। वो बेटियां ऐसे सुरक्षित रहेंगी कि उनको मनुष्य तो क्या एक तिनका भी स्पर्श नहीं कर पाएगा, ऐसा शास्त्र वर्णित करता है। तो निवेदन करती हूँ हर माता पिता से कि वो अपनी बेटी को पांच कन्याओं का नाम जरूर बताएं जिससे वो घर के बाहर ऐसे सुरक्षित रहेंगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी बेटियों के साथ है। और हाँ, आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हर घर की बेटियां सुरक्षित रहे। हर हर महादेव।